एक स्कूल है। हाँ ये स्कूल है, पर यहाँ वोट डलता है। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और ये है लास्ट व्लॉग में जो सेलिब्रेट की थी हमने बर्थडे पार्टी। ये थी मेरे भतीजे की बर्थडे पार्टी। नाउ ही इज़ अ टीनेज एंड ऑलमोस्ट लाइक हमारे घर में सारे जितने भी बच्चे हैं वो इसी एज में जो है एंटर कर रहे हैं। तो इट्स लाइक अ टीनेज टीम, दे आर हैविंग लाइक सेम एज ग्रुप, तो सेम काइंड ऑफ फीलिंग्स एंड एक्साइटमेंट एंड थिंग्स ऑल अराउंड लाइक टीनेज issues are there, but we all are like happily enjoying these moments also, which are like precious. अब भाई हर कोई हर रोज़ तो teenage नहीं होता है ना, तो every birthday or after few years birthday it becomes very special. Morning हो गई next day की। आज है 4 दिसंबर और आज है दिल्ली में वोटिंग। तो अभी कल रात को तो बर्थडे पार्टी हो गई, इट वॉज गुड, इट वॉज फन। और आज मैं जाऊंगी वोट डालने के लिए। आज तो भाई बहुत इम्पोर्टेंट डे है। मैंने आज तक कभी अपना वोट मिस नहीं किया है। वोट इज़ द फर्स्ट ड्यूटी। तो आज दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन है, तो आई विल गो एंड गिव माय प्रीशियस वोट। द बॉय हैज कम giving me warm water. Birthday boy assistant YT is the assistant. Sure, take him inside beta, otherwise he shout karega abhi. चलो भैया, क्या चीज? अच्छा ओके, स्लाइड कर रहे हो, ठीक है ठीक है। तो आज का दिन अपने आप में सबसे स्पेशल हो जाता है अगर हम वोट डाल रहे हैं। आप किसी को भी सपोर्ट करते हैं, आपकी कोई भी चॉइस होती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ये टोटली एक अलग बात होगी, लेकिन वोट ज़रूर डालना चाहिए अपनी चॉइस को। और जिसको आप यू नो फ्रॉम टॉप टू बॉटम किसी भी लेवल पे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो उसको तो ज़रूर वोट डालिए, क्योंकि वो हम ही हैं जो सेंटर लेवल, स्टेट लेवल या लोकल लेवल किसी भी लेवल पे वोट डालते हैं। तो हमारे वोट की बहुत वैल्यू है। और अगर आप किसी को चाहते हैं देश में कि वो हर लेवल के ऊपर स्ट्रेंथफुली काम करे, तो ध्यान रखिए उनको वोट डाल के मजबूत करिए। आप इस देश में तभी कंप्लेन कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए कि ये नहीं हो रहा या गवर्नमेंट काम नहीं कर रही या फिर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये सिर्फ तब जब आप फुली कंट्रीब्यूट करते हैं बाय गिविंग वोट। और वोट सिर्फ वोट सेक ऑफ वोट मत डालिए, समझदार बनिए और सोच समझ के डालिए, क्योंकि आपके देश का दुनिया में भविष्य आपका वोट डिसाइड करता है। आपकी इंटरनल यू नो पीस, इंटरनल सिक्योरिटी, आपकी काम, इन सबको डिसाइड करता है आपका वोट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वोट ज़रूर डालें। तो मैं आज जाऊंगी वोट डालने के लिए। आई एम क्वाइट हैप्पी। और वोट वाले दिन जो है छुट्टी मिलती है, लेकिन आज संडे है तो इट्स लाइक संडे को आपका जो है मतलब यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो टेक इट, यू कैन टेक इट एज अ हॉलीडे ऑल्सो, अदरवाइज संडे के अलावा कोई दिन मिलता है, लेकिन वो ड्यूटी अपनी पूरी करके उसको इन्जॉय करिए। तो मैं आज चल रही हूँ वोट डालने के लिए। अब मैं घर के लिए निकलूँगी, कैब करूँगी, बच्चे के साथ, बच्चों के साथ निकलूँगी। शौर्य जाएगा मेरे साथ, क्योंकि पीकू तो अपने पापा के साथ घर चली गई थी। तो अभी मॉर्निंग में मेरे पास यहाँ पे शौर्य है, तो शौर्य और मैं जाएंगे घर पे। और जब भी हम वोट डालने जाते हैं तो बच्चे हमारे साथ देखने जाते हैं कि कैसे प्रोसेस होता है। दैट्स अ क्वाइट वंडरफुल कि बच्चों को प्रोसेस और उसकी इम्पोर्टेंस ज़रूर समझाइए। ग्रेजुअली वो जब ग्रो करते हैं तो उसको वो अडेप्ट करते हैं। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे वोटिंग करने के लिए। और ये ऐसे अभी थोड़ी सी कम भी हुई है, लेकिन ये देखिए
ये सामने बिल्डिंग्स दिखती थी, सामने कंसल मॉल वगैरह है तो उसकी बिल्डिंग, स्कूल भी है वो भी नज़र नहीं आ रहा है, तो वो हल्का हल्का नज़र आ रहा है। ये जो है यहाँ पे ये रहा, तो अभी नज़र नहीं आ रहा है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके यहाँ फॉग आने लग गई है क्या, मुझे बड़ा पसंद है फॉग। चलिए मिलती हूँ आपसे। तुम मेरे व्लॉग सपोर्ट कर रहे हो, तुम मेरे व्लॉग में हंसी छुड़ाने के लिए हो। देखो गाय इतना खा के जा रही है। ए हमने नहीं खाया, बड़ा खाया था। नीचे कैब वाला भैया मिलेगा, अच्छा भैया तो मुझे आ, बस यही काम बच गया मुझे, वाइट द बाय कर रहा हूँ, ये तो खजाना ढूंढ। छुट्टियों में राइट समझदार हो। चलो बाय बाय भैया, बाय कर रहे हैं। तो ये हम आ गए हैं अपने वोटिंग एरिया में। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग जगह पे ना जहाँ पे वोटिंग होती है, तो वहाँ पे इस तरीके से ये बेंचेस के पास में यहाँ पे मतलब डिफरेंट पार्टीज़ के अपने अपने मतलब निगरानी के लिए लोग बैठे होते हैं भाई, कि वोटिंग अच्छे से हो जाए, कोई गड़बड़ नहीं हो, कोई किसी पे शंका न रह जाए, नहीं तो बाद में होता भाई तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो इस तरह के किसी भी फसाद से बचने के लिए हाँ ये वोटिंग बूथ के काफ़ी दूरी पे बैठे होते हैं, और इनके पास क्या होती है साथ में एक टेबल और होती है जो कि उस एरिया के लोगों को पर्ची दे रहे होते हैं कि भाई आपका वोट का ये रहा नंबर, ये टिकट है और ये कन्फर्मेशन है, तो ये यही टिकट लेने गए थे। और इससे हमें पता लग जाता कि हमारा बूथ कहाँ पर है, तो हमारा फॉर्चुनेटली बूथ चेंज नहीं हुआ था, हमारा बूथ सेम ही है, तो हम अपने बूथ पे वोटिंग करने के लिए गए थे। सो और बूथ के पास में जो है वहाँ बाहर पुलिस का पहरा होता है, अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं जा सकते हैं, ना ही उस टाइम पे प्रमोशन कर सकते हैं, ये एक डिस्टेंस के साथ में ही बैठे होते हैं। तो हमने यहाँ पे वोट कास्ट कर लिया और हमारी फिंगर्स पे ब्लू इंक लग गई है, तो वी आर जस्ट शोइंग इट। और यहाँ पे हम रेगुलरली आते हैं तो बच्चों को याद होता है ये स्कूल कौन सा है। एक स्कूल है, हाँ ये स्कूल है, बट यहाँ वोट डलता है। तो देखो मैं तो वोट कर दिया कि ये बहुत गंदा स्कूल है। भैया पेड़ देख के कह रहा होगा ना पीछे, गंदा नहीं है, अच्छा स्कूल है, जहाँ बच्चे पढ़ते हो क्या गंदा होता है। हो गई दिखाओ, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। लड़ाई मत करो, चलग गई तो मारा आपने है ठीक। चलो चलो बैठो अपनी अपनी सीट पे, नहीं आप आगे बैठो, आगे बैठो आप। कहाँ रह गई है, आप बिना बताए क्यों ऐसे करते हो। ये कोई नीम है, नीम थोड़ी ना, जो आप ये नीम नहीं है, कुछ और है ये। क्या है तो ये वैसा वैसा दिखता है पर ये अलग है बेटू। तो ये वोट डाल के हम जा रहे हैं वापस घर को, तब हम चल दिए बाय बाय टू आर ओल्ड हाउस, और हम गाड़ी में चल रहे हैं अपना एंजॉय कर रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव अगेन। तो रोड साइड से गुजरते हुए किसी की घोटरी देखने को मिली, और जगह जगह पे देखने को मिले पोलिंग बूथ, और वहाँ पर लोगों का एक तरह से जमावड़ा। तो ये सब तैयारियाँ और ये सब जो है आज चल रहा है पूरी दिल्ली में।
ऑन द वोटिंग डे फॉर द एमसीडी, तो आप किसी भी रोड पर निकल जाएंगे वोटिंग के टाइम पे, तो एक अलग सा ही एटमॉस्फेयर होता है। और हाँ, पुलिस की सिक्योरिटी काफ़ी देखने को मिलती है, तो काफ़ी मुस्तैद रहती है। पुलिस का काम वाकई में बहुत ही हार्ड वर्किंग वर्क है, मतलब 24/7 वाला काम है। और मतलब आई थिंक इट्स अ कमांडेबल जॉब, जिसमें आप जो है पूरा टाइम जो है अपना डेडिकेट करते हैं फॉर द सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। आई मस्ट से दे आर रियली रियली हार्ड वर्किंग पीपल। तो पुलिस इज समथिंग लाइक जिसकी हमें हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो हैं अपनी हर सेफ्टी के लिए उन पर डिपेंडेंट हैं, और अगर वो ऑनेस्टली अपनी ड्यूटी ना करें तो डेफिनेटली एक क्राइसिस बन सकता है। बट हमारे देश में हमारी पुलिस, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सब बहुत बहुत ही ज़्यादा ब्रेव और डेडिकेटेड हैं। तो वन सल्यूट टू ऑल ऑफ देम। और इसके साथ ही जो है यहाँ पर देखिए कितनी ज़ोर शोर से जो है दिल्ली में इलेक्शन का काम जो है चल रहा है। रिज़ल्ट तो चाहे जो भी हो, लेकिन एज अ सिटीजन्स हमें हमेशा अपनी ड्यूटीज़ को फर्स्ट हैंड रखना चाहिए, आगे रखना चाहिए, ना कि सिर्फ राइट्स को। तो बीच में हमने जो है ट्रैवलिंग के टाइम पे कुछ खाने पीने का सामान लिया, एंड वी आर जस्ट इन्जॉइंग इट। आफ्टर कंप्लीटिंग द ड्यूटी यू हैव अ फीलिंग ऑफ यू नो रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, दैट्स वेरी ग्रेट। लड़ाई मत करो, खामा खामा क्या हो गया? हाँ वो बेटा ऐसे हो जाता है। होम स्वीट होम, वी हैव कम बैक, और फाइनली बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे तू गई, भाग गई, एंड ये चहल पहल सब कुछ देख के नाउ अब ऐसा लग रहा है कि हाँ बैक टू नॉर्मल, एंड वी कैन जस्ट लाइक वी कैन डू दिस स्टफ व्हाट एवर वी वांट टू। यू नो लॉन्ग ट्रेवल्स के बाद ना एकदम से घर आते हैं तो सच अ रिलीफ, यू फील लाइक या क्वाइट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। यस वी हैव कम बैक, और फाइनली आई हैव गिवन वोट, एंड अब वोट दे दिया तो एक फीलिंग ऑफ प्राइड आती है कि यस यू हैव डन समथिंग फॉर योर नेशन, एंड इट्स ट्रू वी शुड वोट विच एवर लेवल इट इज, वट एवर प्लेस इट इज, इफ वी हैव द राइट्स then definitely we should enjoy it. It is our duty, first of all. It's not just a right, it is our duty, and we should give what? बूंद बूंद से जो है घड़ा भर जाता है, और शायद घड़े घड़े से सागर भर जाएगा, लेकिन अपने वोट की वैल्यू को समझिए और वोट ज़रूर दीजिए। तो इसी नोट के साथ जो है मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन डू शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अब क्योंकि हाँ ये शी हैज सीरियल लाइक, सो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।